दोस्तों बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स अब आगे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फ्रेश एंट्री करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, और दोस्तों अगर पहले से इस स्टॉक में स्टक हो तो क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या राय रहेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हो यहाँ पर वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और आप देख सकते हो कितने हफ्तों से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली है। तो क्या ये सही लेवल आ चुका है बाइंग के लिए? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं दोस्तों, अभी थोड़ा सा वेट आप और कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन पूरी तरीके से हुई नहीं है। आपने देखा आज भी मार्केट में कितना बड़ा डाउनसाइड लगा है, और ये निगेटिविटी को दिखाता है। हो सकता है इस पूरे हफ्ते करेक्शन ही चलती रहे, तो इस स्टॉक में हमें कौन से लेवल्स का ध्यान करना होगा? 6500 का लेवल एक ऐसा है कि अगर उसके नीचे फिसलता है तो ये स्टॉक आपको 6000 रुपये पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हमारे लिए बेस्ट जोन बन जाएगा बाइंग को स्टार्ट करने के लिए। डेफिनेटली उस लेवल पर आप अपने कैपिटल का 50% भी लगाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत उसके नीचे निकलता है तो फिर आप अपना बचा हुआ 50% भी लगा सकते हैं। और टारगेट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 8000 रुपये तक के टारगेट्स विद इन 6 मंथ्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक में स्टक हो गए हैं, क्वेरी चाहते हैं, तो अपने स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी टीम जैसे ही आपके स्टॉक को रिसर्च कर लेगी, आपके लिए लेवल और टारगेट्स निकाल कर ले आएंगे। दोस्तों सभी चाहते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, लेकिन सही तरीका क्या है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सही तरीके से स्टॉक को बाय किया जाए और सही लेवल आने पर उसको सेल भी करना ज़रूरी है। सही लेवल पर बाइंग तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन सही लेवल पर एग्जिट होने का किसी को पता नहीं चलता। हम सारी चीज़ें आपको एकदम एक्यूरेट बेसिस पर डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल स्टॉक्स जो नियर टू बॉटम होते हैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस पर। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कीजिए, और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में एक और वैल्यूएबल स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।